कि जो ये माफी वीर टर्म है आप उसे सही नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि आप माफी वीर नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं और आप क्या कहते हैं? मैं माफी वीर नहीं कहता हूँ, मैं मर्सी बेगर कहता हूँ, क्योंकि एक पिटीशन दिया समझ सकते हैं कि मर्सी पिटीशन एक दिया, कई बार उनके पिटीशन में उन्होंने एक और शब्द लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जब उन्होंने कहा है कि पिटीशन फॉर क्लेमेंसी। अब क्लेमेंसी का डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग भी मर्सी ही है, तो क्लेमेंसी पिटीशन हो या मर्सी पिटीशन हो, वो मर्सी पिटीशन उन्होंने 6 बार दी, पर्सनल मर्सी पिटीशन 6 बार पर्सनल मर्सी पिटीशन दिया। उनकी वाइफ ने 3 बार मर्सी पिटीशन दिया, उनकी भाभी ने 3 बार मर्सी पिटीशन दिया ऑन बिहाफ, और उनके भाई ने 3 बार दिया, तो टोटल 15 मर्सी पिटीशन उनके लिए दिए गए, जिसकी वजह से मैं मर्सी बेगर इस लफ्ज का, इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन दया की भीख मांगने वाला, ये कहना ज्यादा ये होगा, माफी मांगने वाला ये नहीं कहता कि हाँ मुझसे जो हो चुका है वो उसके लिए मुझे माफ कर दो, चुप बैठता है माफी मांगने के, ये कहते हैं कि मैं आपको कॉपरेट करूंगा, इसके आगे आप जो काम मुझे दे या मेरे भाई को कहे करने के लिए, आप अंग्रेज हुकूमत जो भी काम हमसे करवाना चाहती है हम करने के लिए तैयार हैं। उनके जो लफ्ज है कि वेयर एल्स विल दिस प्रोडिगल सन टर्न बट टू द मर्सीफुल डोर्स ऑफ द पेरेंटल गवर्नमेंट, I beg to remain your most obedient servant. तो बाद में उनका सर्वेंट बने रहने की ये उनको एश्योरेंस दे रहे थे, और ये पागल लड़का, रास्ता भटका हुआ बच्चा, ये माय बाप सरकार के दरवाजे में दया की भीख नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? ये उनके लफ्ज है। पहला जब टीजर आया था तभी मैं बहुत हैरान हो गया था कि खुदीराम बोस को सावरकर ने प्रेरणा दी, ये उसमें कहा। अब सावरकर दुनिया को मालूम हुए 1910 में, जब उनकी वो 1857 की किताब आई। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी पे चढ़ाया गया, 2 या 3 साल की, लेकिन वो ट्रांसलेशन के लिए मांग रहे। इसमें भगत सिंह की बदनामी हो रही है, इस बात का एहसास होना चाहिए। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी अगर नहीं होते तो 35 साल पहले भारत आजाद हो जाता था। अब गांधी जी आजादी मिली भारत को 1947 में, 35 साल पहले मतलब 1912, तो गांधी जी थे ही नहीं भारत में, भारत में आए नहीं। गांधी जी भारत में 1915 में आए 2 जनवरी को, तो 12 में आजाद क्यों नहीं हो चुका भारत? क्यों नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दोस्तों, फिलहाल प्रोपोगंडा का दौर पूरे दुनिया भर में चल रहा है, खासतौर पर भारत में चल रहा है। ये चुनावी साल है और चुनावों से पहले ऐसे तमाम प्रोपोगंडा है जिसे फिल्मों के जरिए, मूवीज के जरिए, म्यूजिक के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यहाँ पर आज हमारी कोशिश होगी आपको हकीकत बताने की, आपको बताने की कि प्रोपोगंडा और हकीकत आप कि सच्चाई क्या है और प्रोपोगंडा क्या है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं, सावरकर प्रोपोगंडा बनाम हकीकत के ऊपर। आज इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सावरकर को लेकर कहीं ना कहीं एक मूवी सामने आ रही है जिसका नाम है स्वातंत्र वीर सावरकर। इसका टीजर भी निकाला गया है, ये देख सकते हैं आप, इसकी तस्वीर है और ये एक दूसरा एक स्टिल है इस मूवी का, जिसमें अखंड भारत अमर रहे और सावरकर को लेकर तमाम तरह की चीजें कही जा रही है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज निरंजन टकले सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, इसके साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आप लगातार बोलते रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 22,000 से ज्यादा पन्नों के रिसर्च पेज इनके पास मौजूद है। इन्होंने दुनिया भर में इसे लेकर रिसर्च किया हुआ है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो प्रोपोगंडा चुनावों से पहले फैलाई जा रही है और जो हकीकत है उसमें कितना अंतर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सर, दर्शकों को ये वाला एक ट्वीट मैं दिखा देता हूँ। ये ट्वीट दोस्तों चंद्र कुमार बोस ने किया हुआ है, ये सुभाष चंद्र बोस के रिलेटिव हैं, जिन्होंने कहा है कि आप रणदीप हुड्डा को उन्होंने टैग किया है और कहा है कि सावरकर पर जो मूवी आप बना रहे हैं उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ना लें। अगर आपने इसके टीजर या ट्रेलर को देखा होगा तो इसमें ना केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस बल्कि भगत सिंह और ना जाने कितने लोगों का नाम लिया गया है।
एक तरीके से इसमें महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को विलन की तरह बताने की कोशिश की गई है, सावरकर को हिंदू मुस्लिम एकता के नेता के तौर पर बताने की कोशिश की गई है, साइंटिफिक बताने की कोशिश की गई है, उनके तमाम स्ट्रगल के बारे में बात करने की कोशिश की गई है। तो आज चर्चा इसी पर। निरंजन सर, शुरुआत इसी से करते हैं जो नाम दिया गया है, स्वातंत्र वीर सावरकर। अब लोगों को, कई लोगों को पता नहीं है या क्योंकि ये बताया नहीं जाता है, आप बार बार कहते रहे हैं कि स्वातंत्र वीर सावरकर नहीं कहा जाना चाहिए, ये उपाधि उन्होंने उन्हें किसने दी है, इस पूरे टीजर या ट्रेलर को आप किस तरह से देखते हैं, अगर इससे शुरुआत करें तो? नहीं, टीजर और ट्रेलर में वो तो बाद की बात है, पहले कैरेक्टराइजेशन जो है पूरा, मतलब हमने रिचर्ड एटनबरो ने बनाई हुई गांधी फिल्म भी देखी है जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी जी का रोल किया था और उसके लिए उसने गांधी जी का जितना वजन था उतना अपना वजन कम किया था और बिल्कुल उनके जैसा अपने आप को ढाल लिया था उस भूमिका में। यहाँ सावरकर की भूमिका कर रहे हैं रणदीप हुड्डा। सावरकर की हाइट थी 4 फुट 11 इंच, यहाँ रणदीप हुड्डा है जो 6 फीट से भी लंबा है। सावरकर का वजन था 49 केजी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी जो जेल टिकट हिस्ट्री रखी है सेलुलर जेल के आर्काइव्स में रखी थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी हाइट कितनी थी, उनका वजन कितना था। अब यहाँ मतलब रणदीप हुड्डा तो एक पहलवान की तरह है, तो राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ये पूरा लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश है। फिर उसके बाद आता है टीजर, इसके पहले एक टीजर आया था जिसमें भी कई सारी झूठ बातें उसमें कही गई थी कि खुदीराम बोस को उन्होंने प्रेरणा दी, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने प्रेरणा दी, गांधी जी वैसे तो अच्छे आदमी थे लेकिन अहिंसा की वजह से देश नपुंसक बना, या उसमें ये भी कहा था कि गांधी जी अगर नहीं होते तो 35 साल पहले ही देश को आजादी मिल चुकी होती। इस किस्म की कंप्लीटली झूठी और बेबुनियाद बातें उसमें कही गई थी। अब ये नया टीजर आया है जिसमें बहुत ही हास्यास्पद है, भगत सिंह उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारी जो किताब है 1857 के ऊपर उन्होंने जो लिखी थी, उस किताब का अंग्रेजी में संस्करण करने के लिए आप मुझे इजाजत दे, मतलब इतनी बकवास और झूठी बातें, ये हम विस्तार से भी बात कर पाएंगे लेकिन कंप्लीटली फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और मेरे मन में तो आ रहा है कि इसके ऊपर आगे चल के, क्योंकि फिल्म आनी बाकी है, जैसे ही फिल्म आती है तो डिस्क्लेमर वगैरह क्या है वो भी देखने को मिलेगा उसमें। और अगर नहीं है अगर नहीं है तो मैं रणदीप हुड्डा पर केस करूंगा और उसको दूसरा माफीवीर बनाऊंगा। बिल्कुल सर, शुरुआत इसी से करते हैं। जो कहा जाता है कि लगातार लड़ने के लिए वो यहाँ से लंदन गए, लंदन में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो वो बाद में वहां से छुप गए थे, उनके दोस्तों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, फिर वो समुद्र में कूदे थे, वहां पर पुलिस आई थी, ये तमाम तरह की चीजें हैं और टीजर ट्रेलर में भी हम देखते हैं इस तरह की चीजें कही जाती है। हकीकत क्या है, आप दुनिया घूमे हुए हैं, अगर इससे शुरुआत करें क्योंकि यही कहा जाता है कि वो पहले से ही आजादी के लिए कितना लड़ रहे थे, क्या कुछ हुआ था, शुरुआत से शुरू करते हैं सर। जो ये सारी चीजें समय समय पर सामने आती हैं, जो टीलर और यही सारी चीजें शायद फिल्म में भी वो दिखाना चाहते हैं, तो इसकी हकीकत अगर आप जनता को बताएं और इससे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। देखिए 1906 तक वो पुणे में पढ़ रहे थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में, जब उनकी अक्सर मुलाकात लोकमान्य तिलक से होती थी और तिलक का बहुत उनके ऊपर प्रभाव था, वो तिलक को महाराज कहते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। उसके बाद 1907 में वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गए और अपने उनके जो ससुर थे, जो एक संस्थान में प्रिंसली स्टेट में नासिक के पास ही वो दीवान थे उस संस्थान में, तो उस स्टेट के वो दीवान थे उनके ससुर, तो उनके ससुर ने उनका एजुकेशन पूरा स्पॉन्सर किया था पहले लंदन का, तो वो लंदन गए थे एजुकेशन के लिए। 1907 में वहां जाने के बाद पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी मैजिनी की इतिहास पर, मैजिनी, जो मैजिनी और बिस्मार्क काफी फेमस कैरेक्टर्स है यूरोपियन रेवोल्यूशन में, तो उनसे लिखा था। मैं उनकी ये जो विद्यार्थी दशा थी उसको मैं एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरी की तरह देखता हूँ,
के रिवॉल्यूशन के बारे में, क्रांति के बारे में एक रोमांटिसिज्म था उनके मन में, और उसी वक्त उन्होंने 1908-09 में अपनी दूसरी किताब जो लिखी 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 पहला स्वातंत्र्य समर, जो ऑफ कोर्स उन्होंने मराठी में लिखा था। उसका मैन्युस्क्रिप्ट, उसको पब्लिश करने को इजाजत नहीं थी, तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट और ब्राउनिंग पिस्टल ये भारत में उन्होंने भेजे। भारत में जो लेके आए थे उनका नाम था सिकंदर हयात खान, जो पिस्टल लेकर आए थे भारत। हाँ, पिस्टल और उस किताब की पहली मैन्युस्क्रिप्ट मराठी की, तो वो दोनों लेके आए थे। जो सिकंदर हयात खान उसी इंडिया हाउस में पढ़ाई करते थे, तो वो अपनी मतलब जान की बाजी लगाकर भारत में कौन लेके आया उस मैन्युस्क्रिप्ट को या उस पिस्टल को, उन पिस्टलों को, तो वो सिकंदर हयात खान था, जो बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने यूनाइटेड पंजाब के। तो वो यहां पर लाए मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने अपने भाई को दी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव जिनको कहा जाता था। तो वहां नासिक में आने के बाद पहले उसकी प्रिंटिंग की गई उस मराठी किताब की। साइमल्टेनियसली उन जो पिस्तलें भेजी थी उसमें से एक पिस्तल का इस्तेमाल करके नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जो संस्कृत के पंडित थे, बहुत ही विद्वान थे, AMT जैक्सन, वो जैक्सन का खून उस पिस्तल का इस्तेमाल करके किया गया। अब ये जो लंदन में थे, तो लंदन में उस किताब का 1909 में अंग्रेजी संस्करण हो चुका था, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका हो चुका था 1909 में। 1909 में जब उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका था, उस वक्त भगत सिंह की उम्र थी 2 साल। भगत सिंह अपनी माँ की गोद में खेलते थे जब अंग्रेजी संस्करण हो चुका था। 1910 में जब सावरकर को अरेस्ट हुई और 1911 में उनको अंडमान में भेजा गया, तब भगत सिंह की उम्र थी 4 साल। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि तीसरी या चौथी साल की उम्र में जब वो अपने आंगन में शायद खेल रहे होंगे, तब वो खेलते खेलते सावरकर के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है। और अगर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना था तो 4 साल के भगत सिंह को, उम्र की भगत सिंह को, पहले मराठी सीखनी जरूरी थी, क्योंकि वो किताब मराठी में थी। तो मराठी उन्होंने 4 साल की उम्र में कब पढ़ी कि वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर पाए। हम ये कह सकते हैं कि उनको उर्दू आती थी, उनको पंजाबी आती थी, लेकिन 4 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी कब सीखी, मराठी कब सीखी कि वो ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो गए। तो कंप्लीटली झूठ, मतलब ये रंडी फूडा खुद एक जट है, भगत सिंह एक जट सिख थे, उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों में से सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह का बहुत घिनौना अपमान किया है इस तरह से झूठ उनके बारे में फैलाकर। तो इसका एहसास हुड्डा को होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक जो मिथ है या जो एक प्रोपेगेंडा है वो, उसके बारे में आपने बताया। क्योंकि आपने लंदन का जिक्र किया सर, तो वहां पर आपने मदनलाल धिंगरा के बारे में भी बात की हुई थी आपके स्पीचेस में, उसके अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में भी बात की थी। ये सारी चीजें जो शायद लोगों को नहीं पता है, मैं चाहता था कि अगर आप इस पर भी एम्फसाइज करें कि वहां पर सावरकर कैसे रह रहे थे, क्या कुछ वहां पर हुआ था, और इसे लेकर जो मिथ फैलाया जाता है, अगर उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, सावरकर वहां पर इंडिया हाउस में रहते थे, जो भारतीय विद्यार्थियों के लिए बनाया गया एक हॉस्टल था, और श्यामजी कृष्ण वर्मा उस इंडिया हाउस को चलाते थे, और भारत से कई सारे स्टूडेंट्स वहां जाते थे। सावरकर तो अपनी ससुर की स्कॉलरशिप पर वहां पर गए हुए थे, तो वो इंडिया हाउस में रहते थे, उनके साथ अन्य कई सारे विद्यार्थी वहां पर रहते थे, उनके कई सारे दोस्त वहां इंडिया हाउस में थे। और सावरकर का अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं के ऊपर बहुत प्रभुत्व था, वो प्रोफिशिएंट थे उन भाषाओं में, और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे कवि थे वो।
मतलब मराठी में जो एक बहुत फेमस कविता है, सागरा प्राण तळमळला ने मजसी ने परत मातृभूमिला, तो वो उन्होंने अपनी भाभी को लिखी हुई कविता थी, क्योंकि उनका भाभी का बेटा जिसका नाम प्रभाकर था उसका देहांत हो गया था, और कुछ 3-4 साल की उम्र में उसका देहांत हुआ था। तो देहांत होने के बाद शोक में उन्होंने अपनी भाभी को वो कविता लिखी थी, और इसलिए उन्होंने उस वक्त इसका जिक्र मातृभूमि किया था, क्योंकि जो अपनी बच्चे को खो चुकी है, ऐसी माता की भूमि को मुझे वापस जाने की सागर, मतलब वो समुद्र से कह रहे थे कि मुझे वापस ले जाओ उस माँ के पास जो आज शोकमग्न है। तो हालांकि उन्होंने देश के बारे में कभी भी मातृभूमि ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा पितृभूमि कहा। जी, काफी पेट्रियार्कल हमेशा बहुत ही पेट्रियार्कल थे। तो उन्होंने पितृभूमि देश को हमेशा कहा। तो उनके वक्तव्य का, उनकी भाषणों का बहुत प्रभाव इंडिया हाउस के स्टूडेंट्स के ऊपर होता था। लेकिन ये जो मिथ है कि मदनलाल धिंगरा को उन्होंने प्रेरणा दी थी, मदनलाल धिंगरा उन्होंने अपने एक पिस्तल दी थी कर्दन वाइली का खून करने के लिए, ये झूठ है। क्योंकि मदनलाल धिंगरा बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करता था। मदनलाल धिंगरा लंदन के 2 राइफल क्लब का मेंबर था। मदनलाल धिंगरा के पास 2 अपनी खुद की पिस्तौल थी, और वो रोजाना दोनों राइफल क्लब पे जाकर शूटिंग का की प्रैक्टिस किया करता था। तो ऐसा होते हुए उसने इनसे पिस्तल लेने की कोई वजह ही नहीं थी, ये एक बात हुई। दूसरी बात, मदनलाल धिंगरा ने कर्नल वाइली का खून करने के बाद सावरकर उससे मिलने गए थे इस आशंका से, क्योंकि वो अरेस्ट हो चुका था, कि कहीं वो इनका नाम ना ले ले। और उस वक्त मदनलाल धिंगरा ने इनको बहुत, मतलब उनकी निर्भत्सना की थी कि तुम कायर हो, यू आर अ कावर्ड। और ये पूरी खबर उनके मीटिंग की, ये उस वक्त लंदन के न्यूज़पेपर में छप के आई थी, जो आज भी वहां पर आर्काइव में, लंदन कोर्ट के आर्काइव में है। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी शायद डर लगा कि इंडिया हाउस पर रेड होगा और उनको भी अरेस्ट होगी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर दोनों पेरिस भाग गए। पेरिस जाने के बाद वो मादाम कामा के घर में रहते थे, जिस मादाम कामा ने पहली बार सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के वहां होते हुए इस देश का झंडा, मतलब तिरंगा झंडा होगा, ये उन्होंने पहले मादाम कामा ने लहराया जी, जी। कि आजाद हिंदुस्तान का झंडा, ये तिरंगा झंडा होगा। बाद में सावरकर भगवे की तरफ, सैफरन की तरफ मुड़े, लेकिन उस जिस वक्त वो रिलीज किया था तो वहां थे। वहां ऐसा हुआ कि मादाम कामा की सेक्रेटरी पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने रेप करने की कोशिश की। अच्छा, तो वहां पेरिस पुलिस उनको जब अरेस्ट करने के लिए आने वाली थी, तब दोनों वहां से फिर से भाग गए, और सावरकर लंदन वापस लौट के आए और श्यामजी कृष्ण वर्मा स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो वहां बीमार हुए और वहां उनकी मौत हो गई। सावरकर लंदन में आते ही उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि नासिक में जैक्सन का खून हो चुका था और वो उस पिस्तल से हुआ था जो सावरकर ने भेजी थी नासिक में, तो उनके भाई को भी अरेस्ट हो चुकी थी। फिर सावरकर को एसएस मौरिया, स्टीमशिप मौरिया नाम की शिप थी, उस शिप से उनको भारत वापस लेके जा रहे थे। जब मेंटेनेंस के लिए वो मार्सिलिस के फ्रांस के एक बंदरगाह पर वो रुकी, जब वो रुकी तब पोर्ट होल जो आता है शिप को, उस पोर्ट होल में से उन्होंने छलांग लगाई, कूद गए समंदर में, और खुद उन्होंने लिखा है कि वो 7 मिनट पानी में थे। क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए उसी बंदरगाह में वो रुकी हुई थी। और वो जैसे ही वो कूद पड़े, उनके पीछे 2 पुलिस वाले जो नासिक के भगूर गांव से उनको लेके गया था इनकी शनाख्त करने के लिए, तो वो कूदे और समुंदर पर मतलब किनारे पर पहुंचते ही इन दोनों ने उनको पकड़ लिया और उनको वापस ले आए। इनको वापस लाने के बाद
फिर एसएस मौर्या से इनको भारत में लाया गया। भारत में लाने के बाद मुंबई में जहां किला कोर्ट है आज, वहां पर जैक्सन के मर्डर की पूरी ट्रायल चली। उस ट्रायल में उन्होंने ये लिख के दिया, जो मुंबई स्टेट आर्काइव्स में भी था, अब है पता नहीं, लेकिन था तो उसकी कॉपी है। जब उन्होंने लिख के दिया कि उन्होंने वो पिस्तौल अपने भाई को आत्मरक्षा के लिए भेजी थी, अगर अच्छा। अगर उस पिस्तौल का इस्तेमाल करके किसी की हत्या हुई है तो उनके भाई से पूछा जाए। तो उस वक्त अपने भाई के इन्वॉल्वमेंट के वक्त भी उन्होंने हाथ झटक दिए, हाथ छोड़ दिए थे। फिर उनको सजा सुनाई गई 25-25 साल की, दो आजीवन कारावास उनको सुनाए गए, और उनको कलकत्ता से एसएस महाराजा, स्टीमशिप महाराजा नाम की शिप थी जो अंडमान कलकत्ता से आया जाया करती थी, तो उसमें उनको बिठाकर 4 जुलाई 1911 को अंडमान ले गया। और अंडमान पर सर बात करने से पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दो चीज पर फोकस करना, तीन चीज पर इनफैक्ट। आप कह रहे हैं कि उससे पहले ही उनको कावड़ बुला दिया गया था, और ये वहां पर लिखा गया है कि उन्हें कावड़ बुलाया गया। ये क्यों बुलाया गया था अगर एक बताएं कि मदनलाल ढिंगरा ने सावरकर को कावड़ डरपोक क्यों कहा, नंबर एक। नंबर दो, एक मिथ यहाँ पर यह है कि वो पानी में घंटों थे और घंटों तक वो लड़े, फिर उन्हें पकड़ा गया। आप कह रहे हैं कि 7 में ही पकड़ लिया गया। पहले इन दो चीजों पर बात करते हैं, फिर हम श्याम जी कृष्ण वर्मा पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो तो उनके अस्थियों को भी भारत लेकर आए थे, और आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो वहां पर बलात्कार के आरोप लगे थे। तो इन तीन चीजों पर अगर हम फोकस करें, क्योंकि इसे लेकर शायद लोगों को पता नहीं है सर, फिर अंडमान के ऊपर तो महत्वपूर्ण बात करना ही है, ये तीन चीजों पर फोकस करें, सावरकर को डरपोक या कावड़ क्यों कहा गया, नंबर एक, 7 की लड़ाई बनाम क्या कुछ प्रोपोगंडा है, दो, और तीसरा, जो एक रेपिस्ट थे या जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा था, उनके एशेस को प्रधानमंत्री लेके आया, उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री से लेकर नहीं आए। जी, पहले तो ये जब ढिंगरा को मिलने गए थे तो उसको ये समझाने के लिए गए थे कि कहीं मदनलाल ढिंगरा उनका नाम ना ले ले कर्नल वाईडी के मर्डर कॉन्स्पिरसी में। तो और ऐसा था नहीं, क्योंकि कर्नल वाईडी को मदनलाल ढिंगरा ने खुद मारा था, और मारने के बाद वो वहां वहीं पर पकड़ा गया था। उसके पास से जो पिस्तल बरामद की गई थी, दोनों पिस्तल उसके नाम पर थी। उसको वो चलाने का लाइसेंस उसके पास था जो लंदन में जारी किया था, उसकी राइफल क्लब की मेंबरशिप मिली थी। तो ये सारा एविडेंस था, इसके होते हुए ये कहने को उसको मनाने के लिए गए कि उसका नाम ना ले ले। तब मदनलाल ढिंगरा को गुस्सा आया कि क्योंकि इंडिया हाउस में तो वो बाकी विद्यार्थियों के सामने बहुत सारे भाषण दिया करते थे, आजादी के बारे में, क्रांति के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, बलिदान के बारे में, और यहाँ उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी वो उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं वो उनका नाम ना ले ले। तो मदनलाल ढिंगरा गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको उस वक्त कायर कहा। तो ये वाकया उस न्यूज़पेपर में पब्लिश होके आया था। दूसरी बात, ये जो आपने कौन सी कही थी, 7 वाली पानी के, हाँ, तो सावरकर ने 1936 में एक किताब लिखी थी चित्रगुप्त नाम से, मतलब लेखक का नाम उन्होंने लिखा था चित्रगुप्त, पेन नेम हम जिसको कहते हैं, तो पेन नेम से उन्होंने वो किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने खुद का जिक्र स्वातंत्र्य वीर कहा था, खुद कोई वो बाद में पता चला कि चित्रगुप्त और सावरकर एक ही है। तो 36 के एडिशन में उन्होंने ये पूरा इंसिडेंस लिखा है कि मार्सेलिस पर जब ये एसएस मौर्या शिप रुकी, मेंटेनेंस हो रहा था, तब वो कैसे पोर्ट होल में से कूद पड़े। कई सारे लोग ये कहते हैं कि वो कमोड में से उन्होंने कूदा, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा है कि पोर्ट होल से उन्होंने कूदे थे। और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि वो 7 पानी में थे, उनके पीछे दो पुलिस वाले आए थे पानी में, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको पकड़ने के लिए, ये बहुत जरूरी है, उनको पकड़ने के लिए इन दोनों को
ये दोनों पुलिस कांस्टेबल जो लेके गए थे उनकी शिनाख्त करने के लिए उनको 400 रुपए का इनाम दिया गया था, और वो 400 रुपए का इनाम का जो लेटर है वो दिल्ली के नेशनल आर्काइव में है, तो उसमें भी ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे वो बाद में कूदे, कब उनको पकड़ा और कैसे उनको वापस लेके आए, तो ये सारा इंसिडेंस उसमें है। तीसरी बात श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो हुआ, जो मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड में वो भाग के गए और वहां पर उनका देहांत हुआ, अभी 2014 या 15 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद जब लंदन गए थे और लंदन में वो अल्बर्ट हॉल में उनकी एक पब्लिक मीटिंग थी जहां से जहां पर भारत से लेकर गए हुए लोगों ने मोदी मोदी नाम चिल्ला रहे थे, और जेम्स कैमरॉन उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो उनके बगल में खड़े थे, और इन्होंने कहा था कि मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं जिसने इंडिया हाउस का रेप्लिका कच्छ में बनाया है, और इस उस कच्छ के इंडिया हाउस के रेप्लिका में मैंने स्विट्जरलैंड से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां ली और वो अस्थियां जाकर वहां पर रखी है। अब कुछ लॉजिकल सवाल है, स्विट्जरलैंड ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां क्यों बचा के रखी? ये भी पता नहीं है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पर दहन किया गया था या दफन किया गया था जी, किसने किया था, उनके साथ तो कोई था नहीं वहां पर। हुँ. तो क्या वजह है कि इतने साल, मतलब 1910 से लेके 2010 या 14 तक, 114 साल तक स्विट्जरलैंड वो एशेस को संभाल के रखे। ऐसा तो कोई श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम नहीं था, उनकी कोई इस किस्म का इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं था, तो ये पता नहीं किसकी अस्थियां है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूं। शायद मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने शायद वो आर्काइव्स का अभ्यास किया होगा और उनको पता चला होगा कि ये किस चरित्र का व्यक्ति था, वो उन्होंने कभी उसकी अस्थियां लेके ही नहीं गए। लेकिन बलात्कार का जिसका आरोप, जिसके ऊपर आरोप है, वो उनको, वो नरेंद्र मोदी को पूजनीय लगा और उसकी अस्थियां वो भारत में लेके आए। बिल्कुल दर्शकों, ये तीन चीजों पर बार बार मैंने इसलिए फोकस करने के लिए कहा क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को नहीं बताई जाती हैं, नहीं बताई जाती हैं कि कैसे सावरकर के साथ के ही लोगों ने उन्हें उस समय कहा यू आर अ कावर, जो वहां के अखबार में छपा। सावरकर जिसके हाथों से उन्होंने पिस्तल भारत में भेजा, तो वो एक मुसलमान थे, उनका नाम आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मुसलमान को तो आगे विलन बनाना है, तो उसके बारे में भी आपको बताया नहीं जाएगा। और जब अपने भाई पर भी आई तब भी इन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे। और तीसरा, हमने जैसे कि बताया श्यामजी वर्मा, कोई भी प्रधानमंत्री अगर उनके अस्थियां, अगर मान भी ले उनकी हैं, वो नहीं लेकर आए, तो उसके पीछे कारण ये थी कि जैसे कि अभी बताया गया जो कुछ घटा था और जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे। बहरहाल सर, अब आगे बढ़ते हैं और अंडमान पहुंचते हैं। उनको 25-25 साल की दो कारावास लगे और उन्हें अंडमान ले जाया गया। यहां से आप शुरुआत करें, आपने बताया भी तारीख जो था 4 जुलाई 1911 को अंडमान के सेलुलर जेल में सावरकर पहुंचते हैं। फिर क्या होता है? पहुंचने के बाद उस जेल मैनुअल के हिसाब से उनके जो रूल और रेगुलेशन थे, वहां हर कैदी का हर 15 दिन बाद वजन लिया जाता था, और वजन लेने के बाद उस 15 दिन की वो जेल टिकट हिस्ट्री मेंटेन की जाती थी कि उस 15 दिन में उस कैदी को कौन सा काम दिया गया, कितना काम उसने किया, कौन सा काम करने से उसने मना किया, मना करने के बाद उसको कौन सी सजा सुनाई गई, तो ये सारा ब्यौरा उस 15 दिन में लिखा हुआ रहता था, जिसके ऊपर हर 15 दिन बाद कैदी की और जेल सुपरिंटेंडेंट की वहां पर सिग्नेचर होती थी। तो 4 जुलाई 1911 को उनका वजन था 112 पाउंड जब उनको वहां पर लेके गए थे। अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल, जो क्रिमिनल कैदी है जिनको आजीवन कारावास हुआ है या फांसी की सजा हुई है, उनको 6 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती थी। मतलब सेल में अकेला कैदी रहेगा, वो उसको बाहर आने की इजाजत नहीं है कभी भी, एक मिनट के लिए भी ना उसको कोई मिलने के लिए जा सकता है, ना वो बाहर आकर किसी से मिल सकता है या बात कर सकता है। तो पहले 6 महीने जुलाई में पहुंचने के बाद उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। वो सेल्युलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी सारे जेल देश के ये बरैक
सिस्टम के है जहां पर एक से ज्यादा कैदी रहते थे, वहां पर एक सेल में एक ही कैदी रहेगा, ऐसे 698 सेल वहां पर थे टोटल। उसकी जो 7 विंग्स थी, बीच में सेंट्रल टावर था और सेंट्रल टावर से निकलती हुई 7 विंग्स, तो टोटल 698 कैदी रहते थे। वो सारे विंग्स की भी विशेषता ये है कि किसी भी विंग के कैदियों को दूसरे विंग का पीछे का एरिया दिखता था, पीछे का हिस्सा दिखता था उस विंग का, मतलब जहां पर ऊपर सेल में जो एक छोटी खिड़की विंडो रहती थी वो विंडो सिर्फ उनको दिखती थी, ना कैदी दिखता था ना कोई दिखता था। तो उस एक विंग ऐसा इस किस्म से वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में वो सारी 7 विंग्स थी। तो पहले 6 महीने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। 29 अगस्त को, मतलब 1.5 महीने बाद, 29 अगस्त 1911 को सावरकर ने अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा। जब तक उनको कोई ना कोई काम दिया गया था, ना कोई सजा हुई थी, कुछ नहीं था। 29 अगस्त को पहला मर्सी पिटीशन, हाँ 1.5 महीने में उन्होंने पहला मर्सी पिटीशन दिया। फिर जब वो निकले 6 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद, तब उनको रोप मेकिंग का काम दिया गया। मतलब नारियल के जो छिलके आते हैं वो छिलके पहले कूटे जाते हैं और उससे रस्सी बनाई जाती है, तो रस्सी बनाने का काम उनको सौंपा गया। और उस वक्त डेविड बारी जो जेल सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने लिख के रखा है कि इनका वजन फॉर एग्जांपल 50 किलो है और वो जो ऑयल मिल थी जिसको कोलू कहा जाता है, उस कोलू का वजन 80 किलो है और जिससे रोजाना हर कैदी को 30 किलो का तेल निकालना पड़ता है। तो शायद उसमें 50 या 60 किलो की नारियल या बाकी चीजें डाली जाती होंगी जो पीस कर उससे 30 किलो तेल निकलता होगा। तो ये इंसान उसको घुमा नहीं पाएगा, इसलिए उनको काम दिया गया था रस्सी बनाने का। और लेकिन आपको तो ये कहा जाता है कि ये गोल गोल घूमकर तेल निकाला कर रहे थे, ये सारी चीजें जो मिथ हैं, और ये सारी चीजें जो कह रहे थे यहाँ पर जो एक पॉपुलर है, और शायद आपने टीजर या ट्रेलर में भी देखा होगा, वो गोल 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 वो घूम रहे हैं, और आप कह रहे कि उनका काम था रस्सी बनाने का। उनकी जो जेल टिकट हिस्ट्री है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और वो इस किस्म से 80,000 कैदियों की जेल टिकट हिस्ट्री रखी गई, तो इनकी जेल टिकट हिस्ट्री में इस किस्म का एक भी दिन नहीं है जिसमें वो उस कोलू पर थे। उनकी अपनी किताब में, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी मराठी में, माझी जन्मठेप, माय इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें उन्होंने उस कोलू का वर्णन किया है कि किस तरह से बैलों की तरह उस पर कैदियों को काम करना पड़ता था या कोड़े मारे जाते थे वगैरह वगैरह, वो सब उन्होंने लिखा है, लेकिन वो खुद कभी कोलू पर थे नहीं। अन्य बहुत सारे कैदी थे जिनको बहुत टॉर्चर किया जाता था जिससे उनकी हालत खराब हो जाती थी और वो मर भी जाते थे, इतना उनको वीकनेस भी आता था, उनका वजन कम हो जाता था, और वहां पर मलेरिया वगैरह जैसे इन्फेक्शंस भी बहुत होते थे, कॉलरा की होते थे, इनफैक्ट कॉलरा की दवा के लिए वहां की कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जिनको कॉलरा हुआ है तो उस दवाई के एक्सपेरिमेंट्स अंडमान के कैदियों पर किए जाते थे। तो 1912 में उन्होंने एक और मर्सी पिटीशन लिखा, 13 में लिखा, 1914 में भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया के होम सेक्रेटरी रेजिनल्ड क्रेडॉक ये वहां पर विजिट करने के लिए गए थे, और उस विजिट के दौरान कई सारे कैदी उनसे मिले, कई सारे कैदियों ने उनको अपनी पिटीशंस दी। सावरकर ने उनको मिलके पर्सनल मर्सी पिटीशन दिया, चौथा वो दिन था 14 नवंबर 1914, और उस दिन उन्होंने क्रेडॉक से मीटिंग करके क्रेडॉक को वो मर्सी पिटीशन दिया। क्रेडॉक ने अपनी नोट में लिखा कि बाकी सारे
कैदियों ने जनरल एमनेस्टी के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन पर्सनल मर्सी पिटिशन ये सावरकर और बारिन घोष जो अरविंदो घोष के छोटे भाई थे उन्होंने दोनों ने दिया। और मिलने के बाद उस इंटरव्यू के दौरान सावरकर किस तरह से मर्सी के लिए प्लीड कर रहे थे वो भी रीजनल क्रेडॉक ने लिखा, उनका आर्ग्यूमेंट भी हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने क्रेडॉक को भी ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए मैंने पिस्तल भेजा था, तो क्रेडॉक ने कहा लेकिन उससे हत्या हो गई एक ब्रिटिश ऑफिसर की, तो उन्होंने कहा कि क्रांति ऐसे ही होती है। तो उन्होंने उसके ऊपर कहा क्रांति एक पिस्तौल से एक आदमी को मार के नहीं होती है, क्रांति बहुत बड़े स्केल पर होती है, तो ये क्या तरीका है। तो फिर उन्होंने कोऑपरेशन मैं आगे जाकर करूंगा वगैरह वगैरह ये सब किया। उस जो मर्सी पिटिशन है 1914 का, वो इसलिए अहम है क्योंकि उनके पहले तीन मर्सी पिटिशन्स में उन्होंने ये लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मैं पूरी तरह से अंग्रेज हुकूमत के साथ सहायता करूंगा, ये उन्होंने उस वक्त लिखा है। 14 की मर्सी पिटिशन में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो टर्को अफगान चैलेंज आने वाला है उसका मुकाबला करने के लिए मैं आपको सहायता करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और उस वक्त टर्को अफगान क्या था, तो जो खिलाफत शुरू हो रही थी और टर्की के खिलाफत से के वजूद को लेके जो पूरा मूवमेंट होने वाला था उसका विरोध मैं करूंगा, मतलब इस हिंदू मुस्लिम डिवीजन को बढ़ाने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये इनडायरेक्टली उन्होंने उसमें सजेस्ट किया था। आप यकीन नहीं करोगे, रेजिनल्ड क्रेडॉक के जाने के दूसरे दिन से सावरकर को रोप मेकिंग के काम से हटाया गया और उनको ऑयल डेपो का सुपरवाइजर बनाया गया। अच्छा, मतलब दिन भर में कितने कैदी कितना ऑयल निकालते हैं, कौन नहीं करता है, कौन कितना करता है, कौन करने से मना करता है, मना करता है तो उसको क्या सजा दी जाए, ये सारा रिकॉर्ड रखने की बनाने की जिम्मेदारी सावरकर के ऊपर आ गई। तो रोप मेकिंग का काम, जिसको मैं हम क्लास 4 का काम अगर कहे, लेबर का काम, तो लेबर का काम उनको पहले 3 साल था और 15 नवंबर के बाद उनको ऑयल डेपो का सुपरवाइजर बनाया गया था और वो आखिरी दिन तक, मतलब जब तक वो अंडमान से उनको छोड़ा नहीं गया तब तक, सेकेंड 2 मई 1921, तो 14 से लेके 21 तक वो मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। हाँ, ऑयल डेपो के सुपरवाइजर क्लास 3 का काम कर रहे थे उस वक्त। मतलब ऐसी कई सारी मिथ्स है यहाँ खासकर महाराष्ट्र में कि उन्होंने कमला नाम का एक पूरा कविता संग्रह उनके सेल की दीवार पर उन्होंने किले से कुरेद कुरेद कर लिखा और ऐसी 10,000 कविताएं, और वो 10,000 कविताएं उन्होंने बाय हार्ट कर ली, मुखोद्गत कर ली और आने के बाद वो कविता संग्रह पब्लिश हुआ, लेकिन वो सारी कविताएं वहां लिखी गई थी ऐसा कहा जाता है। ऑयल डेपो का सुपरवाइजर बनने के बाद उनके पास समय होता था तो उस वक्त उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया और उर्दू सीखने के बाद वहां पर वो उर्दू शायरी करते थे और सावरकर की उर्दू शायरी की हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ये मौजूद है। और जब वो उर्दू शायरी उनकी प्रकाशित हुई तो अमिताभ बच्चन के हाथ से प्रकाशित हुई। तो मैं सवाल ये करता हूं कि मराठी की कविताएं आपने दीवार पर कुरेद कुरेद कर लिखी और उर्दू की किताब आपने कागज पर लिखी, मर्सी पिटिशन भी आपने कागज पर लिखे, तो मराठी पर यह अन्याय क्यों किया? तो ये है। और जैसे उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि हम उन कैदियों ने बेड़ियों की भाषा बनाई थी कि बेड़िया एक खास फ्रीक्वेंसी से बजाकर एक दूसरे को हम संदेश भेजा करते थे और अचानक दूसरे दिन पूरे सेलुलर जेल में 700 कैदी ये
क्या अनशन करते थे, स्ट्राइक करना शुरू करते थे। तो चूंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है तो मुझे ये बहुत नॉवल किस्म की अभिनव कंसेप्ट लगी कि पहले तो ये भाषा तैयार कैसे की, जिसने भी की उसने दूसरे को सिखाई कैसे, जबकि मिलने नहीं दिया जाता था एक दूसरे से। हाँ, और दिखे भी या जो अगल बगल की सेल में चिल्ला चिल्ला कर बात भी की, ऐसा भी अगर हम माने, तो भी एक ही विंग में दूसरे विंग के कैदी तो दिखते ही नहीं थे। सही बात है। तो बाकी छह विंग्स में कैसे ये हुआ? तो ये उन्होंने लिखा था, इसलिए मैं बहुत एक्चुअली प्रभावित हुआ था कि ये लैंग्वेज कैसे बनाई होगी और कैसे सिखाई होगी और कितना समय उसमें गया होगा। तो ये सारा ढूंढने के लिए मैंने उस वक्त जो सेलुलर जेल में कंटेम्प्ररी रेवोल्यूशनरीज थे उनकी किताबें ढूंढना शुरू किया। जो एक किताब मुझे ढाका से मिली जो त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की है, जिसका नाम ही 30 years in prison है, वो 30 साल थे। तो वो एक किताब मिली। इसके अलावा उल्लस्कर दत्त की किताब मिली। इसके अलावा सचिंद्रनाथ बैनर्जी की, चटर्जी की, सचिंद्रनाथ सन्याल, उनकी किताब मिली। अब इन किताबों में किसी ने भी ये नहीं लिखा है कि इस किस्म की भाषा है। उनके उनके अपने भाई ने नहीं लिखा है कि इस किस्म की कोई बेड़ियों की भाषा थी। इनफैक्ट बाकी लोगों ने ये लिखा है कि जब भी हम जेल में आंदोलन करते थे, स्ट्राइक करते थे या अनशन पर जाते थे, तब सावरकर ब्रदर्स उसमें शामिल होने से मना करते थे और ये कहते थे कि अगर हम इस अनशन में, स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे तो हमको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जो प्रिविलेजेस उनको मिलते। अब क्या प्रिविलेजेस मिलते थे? कि एक क्रिमिनल कैदी है जो जो उनको, क्योंकि वो देखिए ये भी कई बार होता है कि महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया या पंडित नेहरू को अहमदनगर के जेल में रखा गया, तो टेबल था, मतलब मेज था, कुर्सी थी, बिस्तर था ढंग का, तो और सावरकर को इतने छोटे सेल में रखा। उसकी वजह यह है कि इस देश के आजादी के आंदोलन में अहिंसा के आधार पर ये लोग काम कर रहे थे, वो क्रिमिनल कैदी नहीं थे, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सावरकर पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कई बार लिखा है कि मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन एक मर्डर की केस में वो वहां पर थे, तो उस तरह से उनको उनका वो सेल था। लेकिन लेकिन उनको जो काम सौंपा गया था वो क्रिमिनल कन्विक्ट की तरह नहीं था, वो पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह एक क्लास 3 का सुपरवाइजर का काम दिया गया। ये बहुत अहम आपने कहा है, और दर्शकों आपको ये सब चीजें बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनके पास दस्तावेज के साथ सारी चीजें हैं, तो आप प्रोपोगंडा और हकीकत को समझिए। हम लोग यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें सामने आती हैं जिसके कोई तथ्य नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता था कि वीर सावरकर, ये उपाधि सावरकर ने खुद को दी थी दूसरे नाम से, और ये किताब उन्होंने खुद ने लिखी हुई थी जिसके ऊपर आप कई जगहों पर बहस होती है। और सर इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहता, आप बार बार कहते हैं कि जो माफी वीर टर्म है आप उसे सही नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि आप माफी वीर नहीं कहते, क्यों नहीं कहते हैं और आप क्या कहते हैं? जी मैं माफी वीर नहीं कहता हूं, मैं मर्सी बेगर कहता हूं, क्योंकि एक पिटीशन दिया, समझ सकते हैं कि मर्सी पिटीशन एक दिया। कई बार उनके पिटीशन में उन्होंने एक और शब्द लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने कहा है कि पिटीशन फॉर क्लेमेंसी। अब क्लेमेंसी का डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग भी मर्सी ही है, तो क्लेमेंसी पिटीशन हो या मर्सी पिटीशन हो, वो मर्सी पिटीशन उन्होंने 6 बार दिए, पर्सनल मर्सी पिटीशन। उनकी अपनी किताब में उन्होंने जनरल एमनेस्टी के बारे में लिखा है, और जनरल एमनेस्टी जब 1919 या 1920 में अंडमान के कैदियों को मंजूर की गई थी, और उस जनरल एमनेस्टी में सचिंद्रनाथ सन्याल वगैरह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा किया गया था, तब उन्होंने एक शिकायत भरा एप्लीकेशन भी दिया था कि आपने जिन लोगों को छोड़ा है उनके गुनाह तो मुझसे कई ज्यादा गंभीर है,
किसी ने बम फोड़ा है, किसी ने रेलवे में किसी की हत्या की है, लेकिन उनको आप जनरल एमनेस्टी दे रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो, तो आप मुझे पर्सनल मर्सी दो। तो मतलब इसमें समझने की बात यह है कि जिनको, जिन क्रांतिकारियों को जनरल एमनेस्टी मिली है उनकी भी कैंसिल हो सकती थी इस शिकायत की वजह से। तो 6 बार पर्सनल मर्सी पिटीशन दिया, उनकी वाइफ ने 3 बार मर्सी पिटीशन दिया, उनकी भाभी ने 3 बार मर्सी पिटीशन दिया ऑन बिहाफ, और उनके भाई ने 3 बार दिया। तो टोटल 15 मर्सी पिटीशन उनके लिए दिए गए, जिसकी वजह से मैं मर्सी बेगर इस लफ्ज, अब इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन दया की भीख मांगने वाला, ये कहना ज्यादा ये होगा। और दूसरा फर्क यह है कि माफी मांगने वाला ये नहीं कहता कि हाँ मुझसे जो हो चुका है वो उसके लिए मुझे माफ कर दो, चुप बैठता है माफी मांगने के बाद। ये कहते हैं कि मैं आपको कॉपरेट करूंगा इसके आगे, आप जो काम मुझे दे या मेरे भाई को कहे करने के लिए, आप अंग्रेज हुकूमत जो भी काम हमसे करवाना चाहती है हम करने के लिए तैयार है। उनके मैं जो कह रहा हूं कि ही वॉज प्रोफिशियंट इन लैंग्वेजेस, उनके जो लफ्ज है कि वेयर एल्स विल दिस प्रोडिगल सन टर्न बट टू द मर्सीफुल डोर्स ऑफ द पेरेंटल गवर्नमेंट, आई बेग टू रिमेन यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाद में उनका सर्वेंट बने रहने की ये उनको एश्योरेंस दे रहे थे, और ये पागल लड़का, रास्ता भटका हुआ बच्चा, ये माय बाप सरकार के दरवाजे में दया की भीख नहीं मांगेगा तो कहां मांगेगा। ये उनके लफ्ज है। इसलिए माफी वीर कहना अन्याय होगा। जी, अब आते हैं, आप जब ये बात हम कर रहे हैं, अंडमान में वो 1921 तक थे जिसके बाद वो बाहर निकले आप, तो तब क्या कुछ हुआ था? उनको पेंशन भी दिए जा रहे थे, ये सारी चीजें भी लोगों को नहीं पता, पेंशन बढ़ाने की भी बात उन्होंने की, ये सारी चीजें आपने सब डिटेल में बताई हैं, और ये मराठी में क्योंकि है, मैं बहुत समय से चाह रहा था कि आप हिंदी में इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, वो प्रोपेगेंडा में बहते जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी अगर आप बताएं। जी देखिए, 2 मई 1921 को उनको अंडमान से रिहा किया गया, और उस दिन रिहा करते वक्त उनका लिया हुआ वजन था 126 पाउंड, जबकि वो गए थे तब 112 पाउंड था। जी तो उनका वजन सेलुलर जेल में बढ़ा था वहां पे, और वो वापस उनको लाया गया। लाने के बाद पहले उनको एक आम कैदी की तरह गुना के येरवड़ा जेल में रखा गया, तब उनकी ब्रिटिश वाइसरॉय और गवर्नर के साथ निगोसिएशन चलता रहा। समझने की बात यह भी है कि उसी वक्त, एग्जैक्टली उसी वक्त येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी भी थे, और लेकिन वो एक दिन भी महात्मा गांधी से मिलने नहीं गए, क्योंकि जबकि वो आम कैदी की तरह थे, घूमने फिरने की इजाजत थी, तो वो नहीं गए। उस वक्त उस येरवड़ा जेल में उन्होंने और एक किताब लिखी, और उस किताब का टाइटल था हिंदुत्व। अच्छा, हिंदुत्व, और वो किताब भी उन्होंने पेन नेम से लिखी, दूसरे नाम से, और वो नाम था एक मराठा। जी, एक मराठा, इस नाम से उन्होंने उस वो किताब लिखी, जिस किताब में उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी लिखी। पहले तो उन्होंने कौन इंडियन नेशनल हो सकता है ये इसकी व्याख्या उसमें लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसकी ये पितृभूमि है और पुण्य भूमि भी है वही भारत का नागरिक हो सकता है, वही भारतीय हो सकता है। अब ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटिंग था, क्योंकि मुसलमानों की पितृभूमि भरे भी भारत हो, लेकिन पुण्य भूमि मक्का मदीना में थी। ईसाइयों की जन्मभूमि ये हो सकती थी, लेकिन उनकी पुण्यभूमि जेरूसलम में थी। जूस की पुण्यभूमि यहाँ थी, लेकिन उनकी भी पुण्यभूमि जेरूसलम में थी। बुद्धों की, बुद्धिस्ट जो है, दलित जो है, उनकी भी जन्मभूमि ये थी,
लेकिन पुण्य भूमि लुम्बिना में थी जो नेपाल में, तो इनको सभी को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, ये भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने लिखा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इसेंशियली टू नेशंस, दे जस्ट कैन नॉट बी वन होमोजेनियस नेशन। ये एक 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 साथ नहीं रह सकते, एक देश में नहीं रह सकते, एकात्म राष्ट्र, एकात्म राष्ट्र हो ही नहीं सकता जी, ये दो अलग देश है। ये पहले उन्होंने उस किताब में लिखा, और इस ये लिखने के बाद, क्योंकि बाहर येरवडा जेल के बाहर जो भारत है उस भारत में तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो इसके बाद कुछ बवाल ना हो जाए इसलिए उन्होंने वो किताब एक मराठा नाम से लिखी, अपने नाम से नहीं लिखी। और 1924 में जब उनको वहां से रिहा किया गया, आजाद खुली जिंदगी में उनको जब लाया गया, तब उन्होंने ब्रिटिश वॉइसरॉय और गवर्नर के साथ फिर से एक बार रिटर्न एग्रीमेंट किया कि मैं यहां से छूटने के बाद एक दिन भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा, किसी भी राजनैतिक कार्यक्रम में या चर्चा में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं करूंगा। और रत्नागिरी में उनको रखा गया, रत्नागिरी से बाहर जाते वक्त हर बार मैं रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेके जाऊंगा। तो रत्नागिरी में उनको रहने के लिए एक बंगला दिया गया। ये पहले भारत के क्रांतिकारी है जिनको अंग्रेजों ने रहने के लिए बंगला दिया। एक बात और एक है जो कहना भी जरूरी है, 1910 में ऐसा कहा जाता है, और सावरकर के ऊपर जो मराठी में भी फिल्म आई थी जो सुधीर फड़के और बिंदु माधव जोशी ने बनाई थी, उसमें ये दृश्य भी है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि उनकी जो कुलदेवता थी पंचधातु की 1.5 फुट ऊंची अष्टभुजा देवी, तो एक दिन रात को 3 बजे बेचैन स्थिति में वो नीचे आए और अपनी कुलदेवता के सामने बैठकर उन्होंने शपथ ली कि इस देश की आजादी के लिए अपनी जीवन का अग्निकुंड करूंगा, होम करूंगा। ये उन्होंने लिखा। उसके बाद उनका नासिक का जो भगूर में घर था वो अंग्रेजों ने जब्त किया। जब्त करने के बाद उनकी वाइफ और उनकी भाभी को घर से बाहर निकाला, तो निकलते वक्त वो अपनी कुलदेवता लेकर निकले, और निकलने के बाद जब वो भगूर गांव से बाहर जा रहे थे तब उनको लगा कि इस कुलदेवता का जो पूरा रोजाना उसकी जो पूजा होती है, पाठ होता है या जो भी है, वो सारा कुलाचार जिसे कहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने भगूर गांव के बाहर एक स्मशान भूमि है और स्मशान भूमि के बाजू में, महाराष्ट्र में ऐसा कई जगह आपको दिखेगा, दिखने को मिलेगा कि रस्ते के बाजू में एक पत्थर होता है खंडोबा जिसे कहते हैं, तो उस खंडोबा के पैर में, मतलब खंडोबा के पास उन्होंने उस मूर्ति को रख दिया। ये 1910 की बात है। और उसके बाद वो पैदल चलकर नासिक आए, नासिक में सावरकर के ससुर रहते थे तो उनके घर में कुछ दिन रहे, तो बाद में वो चला, मतलब लेकिन वो 1910 में जो स्मशान भूमि के बाहर खंडोबा के पैरों के पास रखी गई कुलदेवता है थी, वो आज 2024 में भी वही है। इतने 114 साल बाद वही है। उस फिल्म का, मराठी फिल्म का मुहूर्त का शॉट लेने के लिए यहां नासिक से वो मूर्ति एक प्रोसेशन में लेके गए थे, और प्रोसेशन में लेने के बाद मुंबई में उसका मुहूर्त का शॉट हुआ। बाद में एक दिन रात को छुप के फिर वो वहां पर लाके छोड़ दी। तो फिर ये इतना अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, सावरकर रिहा होने के बाद 1924 से लेके उनके देहांत तक 1966 42 साल भारत में थे। 42 साल में 25 बार वो नासिक आए होंगे। उनके जो उनका बेटा था या उनके भाई थे या उनके भाई के बेटे थे अभी जो अभी भी जो है, इनमें से किसी को भी नहीं लगा
कि अपनी कुल देवता को अपने घर ले जाना चाहिए, वो इस तरह से रस्ते पर छोड़ना सही बात नहीं है, या ऐसे हिंदुत्ववादी है और वो वहां पर वापस लेके गए। तो रत्नागिरी में मेरा कहने का ये था कि इनको अंग्रेजों ने रहने के लिए एक बंगला, सरकारी बंगला दिया। हाँ जी, और वहां उनसे कोई भी आकर मिल सकता था, वो किसी से भी बातें कर सकते थे। जब 1925 में पहली बार वो उनको मिलने के लिए हेडगेवार संघ के संस्थापक जो थे वो गए, डॉक्टर बी एस मुंजे वो उनको मिलने के लिए गए, नथुराम गोडसे। 1925 में संघ की स्थापना के बाद पहली संघ की शाखा रत्नागिरी में बनी, उस शाखा के प्रमुख और प्रचारक के तौर पर नथुराम गोडसे को भेजा गया था। नथुराम गोडसे सावरकर के संपर्क में 1925 से था और वो कलेक्टर को बताकर कई बार बाहर जाते थे। मतलब वो 1924 में छूटने के बाद नासिक आए थे, नासिक में जो कालाराम मंदिर है वहां पर नासिक के लोगों ने उनका सम्मान किया था, उनको कुछ पैसे ये एज अ डोनेशन उनको दिया था यहाँ पर। इस तरह से वो कई जगह पर घूमे और तो ये उनके घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ उनको कलेक्टर को इत्तला करना होता था कि मुझे इस तरह से इस जगह पे इस काम के लिए जाना है, तो वो घुमा करते थे। और उन्हें कहीं ना कहीं पेंशन भी दी जाती थी, जो बहुत बड़ी रकम थी उस समय सर। और साथ ही साथ जो आपने किताब का जिक्र किया, शायद वो पहली बार उन्होंने हिंदुत्व शब्द का भी इस्तेमाल किया, और टू नेशन थियरी शायद मुस्लिम लीग से पहले भी इन्होंने ही किया था। जी जी, 1900 जैसे कहा कि हिंदुत्व नाम उन्होंने पहले कॉइन किया, इजाद किया 1923 में, उसी किताब में उन्होंने टू नेशन थियरी लिखी 1923 में। इतना ही नहीं, 1937 में जब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने, अब ये भी एक बात है कि प्रोविंशियल इलेक्शन ये भारत में हुए थे 1937 में, और 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होने के बाद मुंबई प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको उस हाउस अरेस्ट से आजाद किया था। अच्छा, महाराष्ट्र की मतलब मुंबई प्रोविंस की, मुंबई प्रदेश की, प्रांत की जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार ने सावरकर को ये जो रत्नागिरी का हाउस अरेस्ट कहा जाता था उससे उनको आजाद किया था, उनको एज अ नॉर्मल फ्री सिटीजन रिहा कर दिया था, और तुरंत वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद पहला हिंदू महासभा का जो अध्यक्ष बनने के बाद का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उस अधिवेशन में उन्होंने टू नेशन थ्योरी को हिंदू महासभा का एक प्रस्ताव के तौर पर उसको पारित किया था, और मुस्लिम लीग ने 1940 में मार्च 1940 में उनके लाहौर कन्वेंशन में, लाहौर के अधिवेशन में इसको फजलुल हक नाम के एक मुस्लिम लीग के लीडर थे बंगाल के, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, तो उस फजलुल हक ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पहले रखा, फिर वो पारित हुआ, ये 1940 के। लेकिन 1923 से लेके 1940 तक सावरकर ये टू नेशन थ्योरी को पूरे देश में प्रचार इसके बारे में कर रहे थे। जबकि यहाँ पर ये जो तस्वीर दिखाई गई है सर, इसमें अखंड भारत हमर रहे की चीजें कही गई है, और जो आप कह रहे हैं उससे पता चलता है कि हालात कैसे थे। जी हाँ, तो अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने सवाल पूछे थे कि ये अखंड भारत कहते हैं लेकिन मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं कहते, तो ये क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं इसमें, तो उनको जमीन नहीं देंगे तो हकाल देंगे, कहाँ हकालेंगे, इतने सारे मुसलमानों को कहाँ आप भेजोगे, तो अगर टू नेशन बनना है तो दूसरी जमीन देनी पड़ेगी, जमीन का कोई हिस्सा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनके बारे में सवाल पूछा था। बिल्कुल, उनका भी जिक्र इन्होंने किया है। और साथ ही साथ सर, मैं चाह रहा था आप बताएं, जो सुभाष चंद्र बोस का ये जिक्र कर रहे हैं बार बार, जब उनके अभी रिलेटिव ने भी कहा कि जिक्र ना करें, ये तो उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे अंग्रेजों के लिए। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तब सावरकर ने ये पब्लिक अपील किया, और उन्होंने पूरे भारत में हिंदू महासभा की ओर से 600 मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए।
पूरे देश में और हर जिले में शहर में जो महत्वपूर्ण है वहां वहां पर ये मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए। उनको उन्होंने एक खत लिखा सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को के अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं ने शामिल होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो आक्रमण होने वाला है उसका मुकाबला करने के लिए इस अंग्रेजों की सेना में शामिल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा नहीं, तुरंत ये अपील करने के बाद वाइसरॉय ने पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा कि सावरकर ने ये जो अपील किया है इस अपील के पोस्टर्स हर रीजनल लैंग्वेज में बनाओ, सरकार की खर्चे से बनाओ और जगह जगह पर वो बांटो। तो ये पूरी तरह से हमला कौन कर रहा था सर? और नॉर्थ ईस्ट से हमला आजाद हिंद सेना करने वाली थी जो म्यांमार से भारत में आ रही थी। आज भी मोरे नाम का जो मणिपुर का आखिरी गांव है, मणिपुर और म्यांमार की बॉर्डर पर जो गांव है मोरे, वो स्पेलिंग होता है MORE, तो उस मोरे गांव में ये आजाद हिंद सेना के की फौज आ चुकी थी। जब आई तब उनको ये खबर मिली कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो चुका है प्लेन क्रैश में। तब वो वही बस गए निराश होकर, उन्होंने वही बस जाने का तय किया और वहां पर उस गांव में, मोरे अभी टाउन है छोटा सा, तो उस मोरे टाउन में लगभग 3,000 तमिल फैमिलीज है, लगभग 3,000 मराठी फैमिलीज है, महाराष्ट्रियन फैमिलीज है, उसमें से एक का सरनेम मोरे था तो उस पर वो गांव बना है मोरे। तो वो आजाद हिंद सेना वहां तक आ चुकी थी, मणिपुर तक आ चुकी थी और आज भी वो मणिपुर में ही है वो शहर। और यहाँ पर फिल्म में बताया जाता है कि कैसे ये सब साथ में थे, किसने किसको इंस्पायर किया, कहाँ भगत सिंह को इंस्पायर किया तो कहीं पर सुभाष चंद्र बोस को इंस्पायर किया। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस मुंबई आए थे सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए पहले, और शाम को वो पब्लिक मीटिंग करने वाले थे, सभा होने वाली थी उनकी। तो वो जिन्ना से मिले, उसके बाद वो सावरकर से मिले, उसके बाद उन्होंने उनकी शाम की पब्लिक मीटिंग कैंसिल कर दी निराश होकर, और उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को खत लिखा और उस खत में उन्होंने लिखा कि गांधी जी के बारे में नफरत को लेकर ये दोनों इतने बहक चुके हैं, पागल हो चुके हैं कि ये कभी भी मेनस्ट्रीम में नहीं आएंगे, कभी ये नेशनल इंटीग्रिटी की बात नहीं करेंगे, ये देश के टुकड़े करेंगे लेकिन गांधी का विरोध करते रहेंगे और इसलिए दुखी होकर मैं मेरी शाम की पब्लिक मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं। ये खत उन्होंने लिखा और 24 जून 1939 के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूरी खबर छप के आई। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में आज भी वो न्यूज़पेपर है। तो सावरकर ने तो सुभाष चंद्र बोस को निराश किया था, इंस्पायर किया था और इतना निराश किया कि वो पब्लिक मीटिंग लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए, इतने दुखी हुए थे। जो आपने तथ्य रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं सर, शायद लोगों को पता नहीं है। दो चीजों पर मैं आप चाहता हूं कि आप फोकस करें, हम एक घंटा हो चुका है हम लगातार सावरकर पर बात करें और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शायद लोगों के सामने नहीं आते हैं। और दर्शकों बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोपोगंडा की जब बात करी जाएगी तब आपको ये इंटरव्यू निरंजय टकले सर का जो वो कह रहे हैं वो सारी चीजों को याद रखना है। सर दो चीजें, एक तो सावरकर और गोडसे के रिश्ते के बारे में मैं जानना चाहता था आपसे, उससे पहले उस पेंशन के बारे में अगर आप बताएं जिसका जिक्र मैंने अभी दूसरी बार किया कि उन्हें पेंशन भी मिलता था, कितना पेंशन मिलता था, वो बढ़ाना भी चाहते थे, उस समय कितना होता था, क्योंकि जब बात की जाती है तब केवल स्ट्रगल की बात, उनके अंडमान की बात, उनके लड़ाई की बात, और जो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने खुद ने जो किताब लिखी वीर अपने आप को उपाधि दी, ये सारी चीजें लोगों को पता है, कई सारी चीजें लोगों को नहीं पता है जो मैं चाहता था कि आप बताएं। जी 1924 में रत्नागिरी में आने के बाद उनको अंग्रेजों ने ये 60 रुपया महीना पेंशन देना शुरू किया था और उस वक्त सावरकर ने
एक खत भी लिखा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि उनको ये पेंशन बढ़ा के चाहिए, 100 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको जवाब लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हर महीने की सैलरी है 53 रुपये और आपको मिलते हैं 60 रुपये, तो आपकी आपका पेंशन मेरी सैलरी से ज्यादा है, विच इज बियॉन्ड माय ज्यूरिसडिक्शन। ये बढ़ाना या नहीं बढ़ाना ये तय करना मेरे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि उस पैसे को सावरकर ब्याज पे देते थे, सूद अच्छा। पे लोगों को दिया देते थे। और जब अंग्रेजों को ये पता चला तो कि इस तरह से सूद का ये किया जाता है, तो उन्होंने रेड की उनके घर पे रत्नागिरी के। और उस वक्त सावरकर ने सारे प्रॉमिसरी नोट्स जो बनाए थे उस सूद के व्यवहार के, वो सारे प्रॉमिसरी नोट जला दिए। अब सावरकर स्मारक प्रतिष्ठान की जो वेबसाइट है उसमें एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसमें ये एक सवाल है जिसके जवाब में उस प्रतिष्ठान ने ये लिखा है कि उनको 60 रुपया एलिमनी मिलती थी, पेंशन ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, एलिमनी का इस्तेमाल किया है। तो ये एलिमनी उनको दी जाती थी और ये सारे कागज उन्होंने इस तरह से थे, वो पैसा के लिए वो ब्याज पे देते थे और वो सारे प्रॉमिसरी नोट उन्होंने जला दिए, इतना जिक्र उसमें किया है, लेकिन उसको उन्होंने पेंशन वर्ड नहीं किया। अब एलिमनी ये ज्यादा गंभीर लफ्ज है एक्चुअली, कि डिवोर्स के बाद पत्नी को दिया जाता है बिल्कुल मंथली एलिमनी। तो ये हुआ जो एक बात वो रिक्रूटमेंट बोर्ड की बताना जरूरी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया था और उसके ऊपर सावरकर के छोटे भाई को नियुक्त किया था, नारायण सावरकर, डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर को। और इनका काम क्या होता था सर? वो देश भर में मिलिट्री को रिक्रूट करना। तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट में इनके भाई को अपॉइंट किया। तब सावरकर ने वाइसरॉय को खत लिखकर उसको आभार माने थे, मतलब लेटर लिखकर ये कहा था कि मैं आभारी हूं कि मेरे भाई को आपने अपॉइंट किया उस सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड पर। अब रत्नागिरी में ये पेंशन की बात तो है और उन्होंने बढ़ाकर मिलनी चाहिए वगैरह लिखा था, उसको जवाब भी दिया गया था। फिर 1925 में नथुराम गोडसे जब रत्नागिरी में आरएसएस का प्रचारक शाखा प्रमुख बना, तब से उनके संबंध थे और वो बहुत बहुत गहरे संबंध थे। वो विनायक दामोदर सावरकर को मतलब बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट उनका आदर किया करते थे। उसके बाद नथुराम गोडसे पूना शिफ्ट हुए, फिर पूना में वो संघ का काम करते थे। पूना में उन्होंने पहला उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था और उस न्यूज़पेपर में सावरकर ने 15,000 रुपया उस वक्त बाय चेक देकर उस शेयर होल्डर बने थे। अग्रणी नाम का न्यूज़पेपर था और वो बने थे और उसमें ये सारे जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करने वाले नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सारों का मजाक उसमें उड़ाया जाता था। अग्रणी न्यूज़पेपर में एक कार्टून पब्लिश हुआ था जिसमें ये रावण के 10 सिर दिखाए थे जिसमें गांधी है और ये सारे अन्य नेता है और नीचे से सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उस रावण को मार रहे हैं तीर चलाकर, ऐसा वो कार्टून था। वो पूना में विश्राम बाग वाड़ा जो है वो विश्राम बाग वाड़ा में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में उस वक्त के बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्काइव्स है, वहां मुझे वो कार्टून मिला था और फिर वो कार्टून मैंने जब ट्वीट किया तो अभी तक मतलब लाखों लोगों के पास वो कार्टून भी है, लेकिन वो वहां पर उनके आर्काइव्स में मिला था अग्रणी का।
तो ये उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। ये सपूरा गांधी हत्या की केस के बाद जब डोमिनिक लैपेरी और कॉलिंस ने फ्रीडम एट मिडनाइट ये किताब लिखी, तो फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब में उन्होंने उसकी पहले एडिशन में और उसके इंटरनेशनल एडिशंस में टू ब्राह्मिन्स फ्रॉम पुणे नाम का एक चैप्टर है, जो इंडियन एडिशन में पूरी तरह से कई सालों से वो पोर्शन निकाल दिया गया है। उसमें फोटोग्राफ्स भी थे, फोटोग्राफ्स के भी कैप्शन थे, और वो पूरा उन्होंने गोपाल गोडसे नथुराम के छोटे भाई का इंटरव्यू के बाद डोमिनिक लैपेरी ने वो किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोपाल गोडसे ने उनको बताया कि नथुराम गोडसे को उनके घर में लड़का जिंदा नहीं रहता था जन्म होने के बाद, बच्चा तो इसलिए नथुराम को जन्म के बाद लड़की की तरह उसका ये परवरिश की गई जब तक उसकी थ्रेड सेरेमनी नहीं हुआ तब तक, और थ्रेड सेरेमनी के बाद उसको आम लड़के की तरह रखा गया, लेकिन तब तक लड़कियों के भेष में नथ पहन के उसको रखा गया, हालांकि उसका नाम था रामचंद्र लेकिन नथ पहनने की वजह से वो नथुराम उसको कहने लगा। तो उसकी वजह से और उस लड़की की तरह परवरिश होने की वजह से ही हैड डेवलप्ड डीप हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन, और उसकी वजह से उसके जीवन में किसी भी औरत के साथ कोई संबंध नहीं बने। उसका एकमात्र संबंध ये समलैंगिक था, और उसके पार्टनर उस फर्स्ट एडिशन में फ्रीडम एट मिडनाइट के ये लिखा है कि उसके पार्टनर सावरकर थे। अच्छा, उसके बाद उसके जितने भारतीय एडिशंस आए उसमें से वो हटाया गया, लेकिन वो पहली एडिशंस में है, और वो फर्स्ट एडिशन फर्स्ट या पहली दो या तीन एडिशंस उसकी कॉपीज सेंट जेवियर्स कॉलेज की लाइब्रेरी में है, अपनी एशियाटिक लाइब्रेरी में वो कॉपीज है, कई जगह पे वो कॉपीज अवेलेबल है जी। और तो, जब ये पूरा मामला चल रहा था सर, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तब ये वाली तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उस पर मैं चाहता था कि आप बात करें। ये जो तस्वीर है ये बहुत फेमस है, जब ये पूरी बातचीत चल रही थी, और तब भी सावरकर और ये गोडसे को देख भी नहीं रहे थे, और शायद पूरे बातचीत या जब तक ये पूरा मामला चला तब भी उन्होंने इन्हें देखा नहीं जी। दो बातें है इसमें। पीएल इनामदार नाम के लॉयर थे जो दिल्ली में लाल किले में जो ट्रायल चली, वो पीएल इनामदार गोपाल गोडसे और डॉक्टर परचूरे के लॉयर थे, और वो पूरी ट्रायल जब वहां पर चल रही थी तब एक बार इनामदार को सावरकर ने मिलने के लिए बुलाया, और सावरकर को मिलने के लिए जब पीएल इनामदार गए उसका पूरा वर्णन उन्होंने अपनी उन्होंने एक किताब लिखी है 1940 द रेड फोर्ट ट्रायल 1948-49, तो उसमें उन्होंने ये पूरा ब्यौरा दिया है कि वो जब मिलने गए थे तो करीब तीन साढ़े तीन घंटे उनकी मुलाकात हुई, और पूरे साढ़े तीन घंटे सावरकर बहुत टेंशन में दिख रहे थे, डरे हुए दिख रहे थे, और बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कि मेरा क्या होगा इस ट्रायल के बाद, मेरा क्या के बारे में नहीं पूछा वो, मतलब एक वो किसी अन्य के बारे में नहीं पूछ रहे थे, ना नथुराम के बारे में, ना नारायण आपटे के बारे में, ना करकरे के बारे में, ना पीएल इनामदार के जो क्लाइंट थे दो, गोपाल गोडसे और डॉक्टर परचूरे, किसी के भी बारे में वो पूछ नहीं रहे थे, सिर्फ पूछे जा रहे थे कि मेरा क्या होगा। ये एक बात है। दूसरा, जस्टिस खोसला जो शिमला हाईकोर्ट के, और उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था, तो ये एक प्रोपेगंडा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, था ही नहीं। ये दिल्ली के सेशन कोर्ट में केस चली थी जिसमें जज आत्माचरण उसके जज थे, बाद में डॉक्टर परचूरे और गोपाल गोडसे ने अपील किया, तो वो केस चली शिमला हाईकोर्ट में जहां पर जस्टिस खोसला उसके जज थे, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है मर्डर ऑफ महात्मा, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हर फांसी के कैदी को डेथ वारंट मतलब पढ़कर बताना पड़ता है जी। फांसी के पहले,
तो वो डेथ वारंट पढ़ने के लिए जब इनके पास गए नथुराम गोडसे और नारायण अपटे के पास, तब जब उन्होंने वो पढ़ा तब नथुराम गोडसे रोने लगा और वो सलाखों के पास आकर उसने कहा कि इस पूरी ट्रायल के दौरान मैं तरस गया था कि एक सेकंड के लिए तात्याराव, उनको तात्याराव कहा जाता था, एक सेकंड के लिए तात्याराव हमारी तरफ स्नेह भरे नजर से देखेंगे या एकाध स्पर्श उनका भी अगर होगा, लेकिन पूरी ट्रायल के दौरान उन्होंने हमको नजरअंदाज किया, उन्होंने बहुत दुखी किया, ये उन्होंने लिखा है। दूसरे दिन फिर उनको जब फांसी पे ले जा रहे थे तब पहले नारायण अपटे ने जोर से चिल्लाया कि अखंड भारत, तो नथुराम गोडसे कह भी नहीं पाया, इतना वो रो रहा था, अमर रहे, ये वो कह भी नहीं पाया और फांसी पर जब लटका। ये और एक बात है, क्योंकि हमारे नासिक से ही अभी ये राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी अयोध्या में, तब नासिक से एक रैली निकली थी पूना की ओर नथुराम गोडसे की अस्थि कलश का पूजन करने के लिए। तो जस्टिस खोसला ने उस किताब में लिखा है कि फांसी देने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार उसी अंबाला जेल में किया गया और अंबाला जेल में करने के बाद उन दोनों की अस्थियों का विसर्जन जस्टिस खोसला ने खज्जर नाम की एक रिवर में किया, उसमें किया था। हाँ, अब अगर वो किया था तो ये पूना में जो अस्थियां रखी है वो किसकी है, किसकी है? तो ये सवाल तो है ही इसमें। पीएल इनामदार में वो किताब में लिखा है कि पूरी ट्रायल के दौरान सावरकर एक वो इजिप्ट के जो स्फिंक्स के ये है उस स्फिंक्स की तरह पुतले की तरह बैठा करते थे, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, किसी के भी ओर को एक्यूज्ड की तरफ वो देखा भी नहीं करते थे, वो हर संभव ये कोशिश करते थे ये जताने की कि उनका इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। जबकि जो सारे प्लानिंग की गई थी या जो नथुराम गोडसे हो या बाकी हो वो इनके ही भवन में जाकर मिलते भी थे, बातचीत की थी, वहां से निकले, तो वो सारी चीजों की प्रूफ है। लेकिन इसके बावजूद तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। सर, अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब ये मूवी जब आ रही है, आपको जितना इतिहास पता है, और मेरी कोशिश इस वीडियो के जरिए यही इतिहास नॉर्थर्न बेल्ट में लोगों को पहुंचाने की थी, अब आप जब देखते हैं कि इस तरह की मूवी आ रही है, खासतौर पर 2024 चुनावों से पहले, आप क्या सोचते हैं? इतने बड़े स्टारकास्ट के साथ प्रोपोगंडा को जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जाएगी, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा होगा, एक अच्छे एक्टर को लिया जा रहा है और बड़े पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं पहले इसका पहला जब टीजर आया था तभी मैं बहुत हैरान हो गया था कि खुदीराम बोस को सावरकर ने प्रेरणा दी, ये उसमें कहा था। अब सावरकर दुनिया को मालूम हुए 1910 में जब उनकी वो 1857 की किताब आई, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी पे चढ़ाया गया। तो 1908 में जब उनको वो फांसी पर खुद ये चढ़ाया तो कब उन्होंने प्रेरणा दी? और यही बात अभी इस टीजर में भगत सिंह तक आ पहुंची, 3 साल के थे भगत सिंह, 2 या 3 साल के, लेकिन वो ट्रांसलेशन के लिए मांग रहे। इसमें भगत सिंह की बदनामी हो रही है, इस बात का एहसास होना चाहिए। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी अगर नहीं होते तो 35 साल पहले भारत आजाद हो जाता था। अब गांधी जी आजादी मिली भारत को 1947 में, 35 साल पहले मतलब 1912, तो गांधी जी थे ही नहीं भारत में, भारत में आए नहीं। गांधी जी भारत में 1915 में आए 9 जनवरी को, तो 12 में आजाद क्यों नहीं हो चुका भारत? क्यों नहीं हुआ? तो कुछ भी प्रोपेगेंडा करना इस किस्म का, जिस गांधी जी के आंदोलन के बाद इस देश, इस दुनिया के कई सारे देशों ने प्रेरणा ली, और भारत की आजादी के बाद 10 साल में 40 से ज्यादा देश आजाद हुए दुनिया में गांधी जी की प्रेरणा लेकर, और उनको आप नीचा दिखाने के लिए एक कंप्लीटली झूठा प्रोपेगेंडा बताने वाली फिल्म बनाते हो, तो इसका हर संभव जवाब देना पड़ेगा और देंगे हर कोशिश से।
बिल्कुल। और आपने जैसे कि कहा कि अगर इस पर डिस्क्लेमर नहीं आता है तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई की भी मांग करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। और आज आपने इतना समय निकाला और जितने सवाल थे उसके जवाब दिए और खुलकर बताया, जिस तरह से हमने इसका नाम भी रखा हुआ है सावरकर प्रोपोगंडा बनाम हकीकत। दोस्तों प्रोपोगंडा बहुत पैसे खर्च करके आपको दिखाया जा रहा है, हम आपको हकीकत यूट्यूब पर एक ऐसे शख्स के साथ दिखा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने जगहों पर जाकर पूरी रिसर्च की है, जैसे कि आपने इस पूरे इंटरव्यू में भी देखा, डेट्स, नाम, हर एक व्याख्या उन्होंने आप लोगों को एकदम सरल शब्दों में समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन टकले सर, आप हमसे जुड़े और आपने बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो आज आपने नॉलेज दी है उससे लोग ना केवल समझेंगे बल्कि इसको आगे ले जाकर वो भी तमाम तरीके के सवाल उठाएंगे और प्रोपोगंडा के चक्कर में ना फंसेंगे। दोस्तों निरंजन टकले सर के साथ हमने पहले भी इंटरव्यू किया और कोशिश करेंगे आगे खुलकर और मिलकर इंटरव्यू करने की भी हमारी कोशिश है। इन्होंने ही नो वन किल्ड लोया नामक किताब भी लिखी है, आपको जज लोया के बारे में जो जानकारी मिली थी उसका भी खुलासा इन्होंने किया था। और लगातार सर आप प्रेरणा देते रहते हैं और आज भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटे से चैनल पर आपने हमें बातचीत की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे न केवल लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हकीकत क्या है और पैसे खर्च करके आपको प्रोपेगेंडा में कैसे फंसाया जा रहा है, कैसे आपको कुछ भी कहा जा रहा है। जब भगत सिंह 2 साल के थे तब कहा जाता था कि उन्होंने सावरकर की किताब की ट्रांसलेशन की बात की, कई सारे तमाम जो तथ्य हैं उसे सामने निरंजन टकले सर ने लाया। हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें दुनिया को पता चले। निरंजन टकले सर लगातार ये करते रहे हैं, आज मेरी कोशिश थी कि हिंदी में भी वो इस बारे में बताएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, हम इस तरह के वीडियोस जिससे न केवल जानकारी मिले बल्कि आप नई चीजों के बारे में जान सके, सच चीजों के बारे में जान सके, वो उस तरह की एक प्रयत्न हम इस चैनल के जरिए कर रहे हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका नाम है निरंजन टकले। हम दोनों की तरफ से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।